हेलो गाइड, आइए आज हम लोग देशांतर रेखा और समय के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में सीखा जाना। आज हम लोग देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। देशांतर रेखा, जिसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। देशांतर रेखा अंग्रेजी में इसको लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ग्लोब के माध्यम से समझेंगे कि देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई होती है। ध्यान दीजिए, देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे ग्लोब को या ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई होती है, या कह लीजिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई होती है। दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर किन्हीं दो स्थानों के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में अंशात्मक दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं। सामान्य रूप से हम लोग सरल शब्दों में यही समझे तो ज़्यादा अच्छा है, कि आसानी से समझ में भी आ जाता है कि देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई होती है। ठीक, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा, मान लीजिए हमारी अर्थ है, ग्लोब मान लेते हैं, नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। अब दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई जो रेखा खींची गई होती है, देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई होती है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, अब देशांतर रेखा जो एक वृत्त होता है, एक वृत्त में 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। उसी प्रकार से एक पूरा ग्लोब में 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं। और पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक, और 24 घंटे में पृथ्वी हमारी एक चक्कर लगा लेती है। ठीक, और देशांतर को हम समझ सकते हैं कि ये जो देशांतर है, देशांतर में जो सबसे सीधी रेखा है सामने दिखाई दे रही है वाली रेखा, इसको 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहते हैं। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या कह लीजिए इसको ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, इसको प्रधान देशांतर रेखा प्रधान या मोत्तर रेखा, प्रधान या मोत्तर रेखा, और इसको प्रमुख देशांतर रेखा
या इसको जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम भी इसको कहा जाता है, और इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, प्राइम प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है बहुत महत्वपूर्ण रेखा है, पूरे विश्व का जो समय का निर्धारण है इसी रेखा को आधार मान के किया जाता है। इस रेखा के बहुत सारे नाम हैं, इसी को 0 डिग्री का देशांतर रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा भी इसी कहते हैं, प्रधान यमोत्तर रेखा भी इसी कहा जाता है, प्रमुख देशांतर रेखा भी कहते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम भी इसी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन भी इसी को कहा जाता है। तो यह रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिनी तरफ जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, इस रेखा के दाहिनी तरफ जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, ठीक, इसको मिटा दें नहीं कन्फ्यूजन होगा। ध्यान दीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाएं तरफ आएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिनी तरफ जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाईं ओर जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान दीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिनी तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, समय प्लस में रहेगा, प्लस में, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाईं तरफ जाएंगे तो समय माइनस में रहेगा। यानी कि यदि ग्रीनविच रेखा पे 12 बज रहा है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 बजेगा, और यदि इसके इधर आते हैं तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से बनेगा, ठीक। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब की तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 की तरह से बढ़ेगा, और बाएं तरफ आएंगे तो समय घटेगा, ठीक। अब इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब की तरफ जाएंगे तो यहाँ से 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, उसके बाद 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर इसके ठीक पीछे 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो इधर से जाएंगे तब भी 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा, और पश्चिम से जाएंगे तब भी देशांतर 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है, और पूरब से जाएंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा, और पश्चिम से जाएंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा, दोनों एक ही रेखा है। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा पर ना तो पूरब लिखा जाता है ना तो पश्चिम लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ना तो पूरब लिखा जाता है ना तो पश्चिम लिखा जाता है, ठीक। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर, इसको इस तरह से भी समझ लेते हैं एटलस में भी, कि ये 0 डिग्री देशांतर की जो रेखा है वो जो लंदन से होकर के गुजर रही, लंदन के पास में ग्रीनविच शहर पड़ता है, ग्रीनविच से होकर के ये रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा जा रही है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रेट ब्रिटेन के
लंदन से होकर, लंदन के पास ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक, अब इस रेखा के दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस में समय रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, इधर जाएंगे तो घटेगा, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह से घटेगा। ठीक, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के आएंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा इधर और इधर, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, इसमें देखेंगे ग्लोब पर हम देख सकते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके ठीक पीछे हमको 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी। ठीक, अब हमको यहाँ एक चीज़ ये समझना होगा कि हमारी पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, ग्लोब के माध्यम से हम समझते हैं सारी चीज़ें, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कहीं सुबह हो रहा है, कहीं सुबह हो रहा है तो कहीं दोपहर होता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर हमारा, चूँकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी पर कहीं सुबह हो रही होती है तो कहीं दोपहर, कहीं शाम, कहीं आधी रात का समय होता रहता है। पृथ्वी पर कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं शाम, कहीं आधी रात होता रहता है। ठीक, और इस प्रकार से पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं, 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं क्रॉस कर जाती हैं पृथ्वी से, जो एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है, यानी कि 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं क्रॉस हो जाती हैं, यानी कि जो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। एक वृत्त में 360 देशांतर भी होते हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है, तो 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं क्रॉस करती हैं, क्रॉस हो जाती हैं। अब इस प्रकार से हम इसको समझते हैं कि एक देशांतर को क्रॉस करने में, एक देशांतर को क्रॉस करने में, क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट, तो 15 देशांतर को क्रॉस करने में तो ये हो जाएगा 15 × 4 = 60 मिनट। 60 मिनट में 15 देशांतर, 60 मिनट माने एक घंटा, अर्थात एक घंटे में 15 देशांतर हमारी पृथ्वी क्रॉस हो जाता है। ठीक, और इस प्रकार से 360 देशांतर रेखाएं, अब इसको हम 360 से भाग दे देंगे, 15 देशांतर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 × 9 = 30 और 15 × 4 = 60 बराबर आ गया 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी हमारी एक चक्कर लगा लेती है, इस हिसाब से एक घंटे में 15 देशांतर क्रॉस होता है और 24 घंटे में 360 देशांतर। ठीक, इस प्रकार से आगे हम चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि भारत का जो समय है, ध्यान दीजिएगा, भारत जिसे ग्रीनविच पर यदि 12 बज रहे हैं तो भारत में कितना बजेगा? ग्रीनविच माने 0 डिग्री देशांतर पर यदि 12 बज रहे हैं तो भारत में, चूंकि भारत का जो प्रामाणिक देशांतर है वो है
82.5 डिग्री देशांतर। ठीक, तो कितना भारत में लंदन में ग्रीनविच रेखा पर यदि 12 बज रहे हैं तो भारत में 82.5 डिग्री देशांतर जो भारत का प्रामाणिक समय है उस पर कितना बजेगा। आइए इसको हल करते हैं। मान लीजिए ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है और भारत में ग्रीनविच रेखा पर बारह बज रहा है बजे हैं तो भारत में कितना टाइम है, भारत में कितना समय है, कितना समय होगा, ये प्रश्न है। अब इसको देखेंगे, क्योंकि ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है ग्रीनविच रेखा पर, और फिर भारत का जो मानक समय है, भारत का जो IST टाइम है, भारत का IST इसको कहते हैं, IST माने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या कह लीजिए भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय जो है वो है 82.5 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है तो भारत का जो स्थानीय समय है, प्रामाणिक समय है, वो 82.5 डिग्री देशांतर है। तो 82.5 डिग्री देशांतर को हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम 15 से भाग दे देते हैं, क्योंकि ये घंटे में 15 देशांतर क्रॉस हो जाता है, 15 से देंगे तो 15 75 आ गया 5 घंटा, और 75 आया 75 80 2 82 माने 7 देशांतर है, एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट, तो 7 देशांतर हो गया। बच रहा शेष जो है 7 देशांतर, तो एक देशांतर क्रॉस करने में समय लगता है 4 मिनट, तो 7 देशांतर, तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 28। ठीक, तो 7 देशांतर का 28 मिनट हो गया, और फिर 28 मिनट ये आधा डिग्री है, एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट, तो आधा डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में 2 मिनट, तो 28 + 2 = 30 मिनट हो गया, ये 5 घंटा 30 मिनट। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है तो भारत में 5:30 शाम का समय होगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ग्रीनविच रेखा से आगे है भारत, आगे जाने पर समय जुड़ता है, ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे दोपहर हो रहा है तो भारत पर 5:30 घंटा आगे यानी कि 5:30 बजे सायं का समय रहेगा। ठीक, लिख सकते हैं कि भारत का समय 5:30 सायंकाल। ठीक, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, और इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हम लोग जान गए, आज हम लोग काफ़ी चीज़ें समझे जाने, देशांतर रेखा के बाद साथ साथ हम लोग समय को भी समझे, इसको टाइम कहते हैं, समय को भी समझे। एक बार पुनः चर्चा कर ले रहा हूँ, देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे ग्लोब पर
उत्तर से दक्षिण दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई होती है। देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई होती है। देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 होती है। ठीक, 0 डिग्री से 180 डिग्री दाहिनी तरफ, 180 डिग्री पश्चिम तरफ। 0 डिग्री से दाहिनी तरफ पूर्वी गोलार्ध, बाई तरफ पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, और ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा पर यदि 12 बजा है तो भारत में कितना समय होगा, इस चीज़ को हम लोगों ने हल किया। भारत में, भारत का समय भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर है, यानी कि भारत का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री है। इस हिसाब से ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा भारत का समय आगे है। यदि ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है तो भारत का समय 5:30 बजे शाम का होगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना समझा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।